कबड्डी के राज्य स्तरीय मुकाबले 13 व 14 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। खेलों का आयोजन बाल स्कूल मैदान हमीरपुर में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जिला कबड्डी एसोसिएशन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वाल्स हमीरपुर के मैदान में 2 दिवसीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेलों में प्रदेश भर से करीब 28 सीनियर टीमें भाग ले रही हैं। 2 दिवसीय कबड्डी के मुकाबले सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। खेलों के लिए मैदान में 2 कोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें 1 पुरुष के लिए और दूसरा महिलाओं के मुकाबले होंगे। कबड्डी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में खेल रहे खिलाड़ी और प्रो कबड्डी लीग में प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी दमखम दिखाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर नवाजा जाएगा। विजेता टीम को राष्ट्रीय स्तरीय मुकाबले के लिए हैदराबाद में तेलंगाना में होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। हालांकि शाम 6 से रात 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 12 को अराइवल है टीमों का और 13 और 14 का टूर्नामेंट है। यहाँ सीनियर स्टेट हो रही है हमीरपुर में और यहाँ सभी जिलों के खिलाड़ी आएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, 12 लड़के और 12 लड़कियाँ। और इसमें 2 साई हॉस्टल, साई हॉस्टल बिलासपुर बॉयज, साई हॉस्टल गर्ल्स धर्मशाला और स्टेट हॉस्टल की दोनों टीमें बिलासपुर की यहाँ आएगी और एक बिजली विभाग और हिमाचल पुलिस की टीम भी यहाँ शिरकत करेगी। और इसमें फॉरेस्ट गार्ड की टीम का भी है, पिछले साल तो खेली थी, इस बार पता नहीं अब आएगी कि नहीं, अभी कन्फर्म नहीं है। पर यहाँ विभाग की तरफ से सारी टीमें जो आती है और ये सीनियर स्टेट का मतलब है जो बच्चे यहाँ खेलेंगे वो नेशनल के लिए जाएंगे और वो ही बच्चे जो नेशनल में यहाँ जो स्टेट में यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो नेशनल के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ 2 है, यहाँ एक सिलेक्शन भी है और सीनियर नेशनल की और एक टूर्नामेंट भी स्टेट लेवल। और यहाँ सभी लगभग यहाँ जो आएंगे इंटरनेशनल रेफरी भी आएंगे और इंटरनेशनल प्लेयर भी आ रहे हैं और हमारी एक कोशिश है कि इनको अच्छे से अच्छे रहने का और खाने का प्रबंध किया जाएगा और हमारी तरफ से ऐसी कोई कोताही नहीं होगी। और हमारा यहाँ प्रयास रहेगा जिला जो अपना हिमाचल संघ और युवा सेवा खेल विभाग की तरफ से भी हमें यहाँ काफ़ी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड है, इनका स्टेडियम है, स्टेडियम की तरफ से हमारे बच्चों को बहुत यहाँ इनका फायदा मिल रहा है। इसके बाद हैदराबाद जाएंगे बच्चे और जो बच्चे वहाँ हैदराबाद में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो इंडिया कैंप में सेलेक्ट होते हैं और जो इंडिया कैंप में सेलेक्ट होने के बाद 3 कैंप लगते हैं, 3 कैंप में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो इंडिया के लिए प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो अजय ठाकर सबसे सीनियर मोस्ट है, पर अभी वो कैंप लगा हुआ है हमारा बड़ा इंडिया कैंप का, जो दूसरा हमारा भी जानी है टीम उसके लिए अगर उन्होंने छोड़ दिया और विनीत और दोनों कैंप में हैं और पूजा ठाकर भी कैंप में है, अगर उन्होंने अगर वहाँ उनसे छोड़ दिया तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर दूसरे बच्चे आए, जैसे विशाल भारद्वाज है और दूसरे जो रवि है, महेंद्र है, 3-4 लड़के और आ रहे हैं जो प्रो में गए हुए हैं वो भी आ रहे हैं। प्रवासियों की तरफ से अच्छा सहयोग मिले, देखने के लिए लोग आए, हमारा यही प्रयास रहता है हर साल कि हम यहाँ सीनियर स्टेट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरे हिमाचल प्रदेश की जो होल क्रीम होती है, जो प्रो में जाते हैं, सीनियर नेशनल में जाते हैं, सीनियर स्टेट में जाते हैं, उन्हीं को यहाँ आने का मौका मिलता है।